नमस्कार, मेरा नाम है सुशांत कोचर और आज हम बात करेंगे कि औरत और आदमी इनके शरीर में जो चर्बी है इसके अंदर कितना फर्क रहता है। जैसे औरतों के अंदर आदमियों से कुदरती तौर पे ज़्यादा चर्बी होनी चाहिए, मतलब इसका कारण ये है कि औरत को बच्चा पैदा करने के टाइम पे मतलब जो रिप्रोडक्शन होता है उसके टाइम पे जो भी सहन करना होता है, जो भी ज़रूरतें होती हैं उसके लिए उसके शरीर में थोड़ी ज़्यादा चर्बी होनी चाहिए। तो आम तौर पे एक औरत है और एक आदमी है, तो एक आदमी के अंदर मान लो कुछ फैट है और एक औरत के अंदर कुछ फैट है, तो आप एकदम डायरेक्ट तो कैसे कंपेयर करोगे ये आदमी है ये औरत है। तो कंपेयर करने के लिए एक तरीका है कि भाई इस आदमी की फिटनेस और इस औरत की फिटनेस एक जैसी है, हम कैसे कहते हैं बॉडी फैट परसेंटेज के तौर पे बता रहा हूँ मैं इसमें, इस वीडियो में बॉडी फैट परसेंटेज अगर आपको नहीं पता तो मेरे पुरानी वीडियो में जाके देख सकते हो। एक आदमी की जो बॉडी फैट परसेंटेज है उस पर उसको फैट के नज़रिए से जितना हेल्दी माना जा रहा है, जितना फिट माना जा रहा है, उसमें 7-8% जोड़ दो तो एक औरत की जो बॉडी फैट परसेंटेज बनती है लगभग उतना ही फिट उस औरत को उस बॉडी फैट परसेंटेज पे माना जाएगा। कहने का मतलब क्या है, जैसे एक आदमी 14% बॉडी फैट पे है तो इसमें 7-8 जोड़ देते हैं तो करीब 21-22% बनता है। तो 14% बॉडी फैट वाले आदमी की जो यहाँ पे जो फिटनेस की बात हो रही है फैट के नज़रिए से हो रही है, अब उसको कोई और बीमारी है तो उसकी बात यहाँ पे नहीं हो रही, चर्बी के नज़रिए से बात हो रही है यहाँ पे कि 14% बॉडी फैट वाला आदमी जितना फिट मान रहे हैं हम उसके बराबर कोई औरत की फिटनेस जो होगी उसका बॉडी फैट परसेंट लगभग 21-22 के आसपास होगा। जिसकी 23% हम बॉडी फैट मान रहे हैं उसके बराबर फिटनेस की जो औरत होगी उसकी बॉडी फैट परसेंटेज लगभग 30-31% के आसपास होगी। बराबर मतलब ये तो आदमी या औरत एकदम बराबर थोड़ी है, पर उसके इक्विवेलेंट औरतों में जिसकी फिटनेस लगभग वैसी है जैसी इसकी आदमी में है। ऐसे कोई 6% बॉडी फैट का आदमी है तो उतनी ही बराबरी की फिटनेस वाली औरत जो होगी उसकी 13-14% बॉडी फैट होगी। 38% बॉडी फैट का मोटा आदमी है तो 45-46% की औरत जो होगी वो भी लगभग हेल्थ में उतनी ही मोटी है जितना वो आदमी है, औरतों में वो औरत उतनी मोटी है। मतलब कहने का मतलब है कि एक आदमी और औरत की बॉडी फैट परसेंट में 7-8% का फर्क होता है। तो अगर कोई चीज़ मैंने किसी वीडियो में बोला है कि आदमी के लिए नॉर्मल बॉडी फैट परसेंटेज है मान लो 13-14%, तो अगर मैं औरतों के लिए बोलना भूल गया तो औरतें उसके लिए खुद के लिए उस चीज़ में 7-8% जोड़ लें और समझ लें कि अगर आदमी के लिए 13% नॉर्मल है या 15% नॉर्मल है तो हमारे लिए 20-21% नॉर्मल है। अगर उसके लिए 13% है तो हमारे लिए 20-21% है, उसके लिए 15% है तो हमारे लिए 23% के आसपास है, ऐसे समझ लें। ठीक है, इस वीडियो में यही बताना चाहता था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर कर सकते हो। आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा। नमस्कार।